गंगा किनारे बनारसी कपड़ों का फैशन शो रणवीर कृति ने जमाया रंग। रणवीर का ब्रोकेड कुर्ता और प्लेन धोती में लुक, वहीं कृति दिखी सुर्ख लाल रंग की बनारसी घाघरा चोली में। रैंप पर दोनों जब उतरे तो इनके लुक को देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। ये नजारा मुंबई का नहीं है बल्कि काशी का है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मुंबई में आपने कई फैशन शो देखे होंगे, लेकिन काशी के घाट पर फैशन शो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब तक काशी के घाट पर आपने आरती देखी होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा पाठ के लिए भी काशी जाना जाता था, लेकिन अब वन मोर फीचर हैज बीन एडेड इन द कैप। काशी का घाट आज के बाद एक अनोखे फैशन शो के लिए भी जाना जाएगा। जी हाँ, बनारसी बुनकरों और उनके हुनर को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए नमो घाट पर रविवार की रात बॉलीवुड सितारे रणवीर सिंह और कृति सैनन फैशन शो के लिए स्टेज पर उतरे। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन यानी कि IMF के दो दिवसीय कार्यक्रम धरोहर काशी की के अंतिम दिन 20 देशों के राजनयिक और राजदूत, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर, बॉलीवुड हस्तियां, बुनकर समुदाय संघों के प्रमुख ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक फैशन शो भी हुआ जिसमें भारतीय परिधानों को दर्शाया गया। ऐसे में इस शो के शो स्टॉपर बने रणवीर सिंह और कृति सैनन दोनों ही बनारस के रंग में रंगे दिखे। रणवीर ने जहाँ बनारसी ब्रोकेट का जैकेट, कुर्ता और धोती पहना, वहीं कृति भी बनारस के रंग में रंगी नजर आई। आप कह सकते हैं कि पारंपरिक परिधानों को पहन दोनों एक्टर्स ने गंगा किनारे फैशन शो में वहां की सांस्कृतिक धरोहर की झलक दिखाई। हम कई सारे फैशन शोज करते हैं, लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है हम सब के लिए। मुंबई के किसी 5-स्टार के बैंक्वेट से अच्छा यहाँ आकर गंगा किनारे ये शोकेस प्रेजेंट करना, जो विश्व प्रसिद्ध मनीष मल्होत्रा साहब ने इतनी मेहनत से क्रिएट किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शोकेस करता है हमारे बुनकर समाज की कारीगरी को। इनकी कला ऐसी है कि पूरे भारत को उनकी कलाकारी पर गर्व है। बनारसी साड़ी जो है वो हमारी विरासत, हमारे हेरिटेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मनीष ने ही वो बनारसी साड़ी डिज़ाइन की थी और आज इस शो पर बनारस में, काशी में ये आउटफिट पहनना, जो मुझे लगता है कि एक ब्राइडल आउटफिट है जिस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सब हाथ से किया हुआ बुना हुआ काम है। बनारसी साड़ी और हमारी हेरिटेज, जो हमारी बुनकर कम्युनिटी है, जो समाज है, जो वो बुनते हैं, एक एक कपड़ा जो है उसे कितने दिन लगते हैं, कितने प्यार से, खाली पैसे के लिए नहीं, दिल से किया जाता है ये काम। और सबसे खास बात होती है कि वो एक ही पीस होता है। रैंप पर बनारसी परिधानों की एक से बढ़कर एक श्रृंखला और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन को देखकर हर किसी की आंखें चमक उठी। इन परिधानों को इतने सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया ताकि इसमें बनारसी झलक साफ देखी जा सके। रैंप पर उतरे जितने भी मॉडल थे उन सभी में काशी के रंग देखने को मिले। एक से बढ़कर एक रंग, एक से बढ़कर एक डिजाइन। आपको बता दें, साड़ी सूट समेत 110 तरह के परिधान पिछले 6 माह में तैयार किए गए हैं। जी हाँ, इन खूबसूरत परिधानों के पीछे 50 से ज्यादा बुनकरों की मेहनत छिपी है। रणवीर और कृति समेत 40 मॉडलों के लिए 250 टू पीस वस्त्र तैयार किए गए। वहीं बनारसी छाप लिए कृति और रणवीर के कपड़ों को खुद डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने तैयार किया है। काशी में पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम से बुनकर समाज को काफी प्रोत्साहन मिला है और वो लोग काफी खुश हैं। यही नहीं, मनीष मल्होत्रा ने वाराणसी के 22 बुनकरों को एडॉप्ट करने की भी घोषणा की है। मैं काशी बहुत बार आया हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है काशी आना। मैं बीवर से भी मिला हूँ पहले और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे एक फैशन शो करूँगा। तो आज का दिन मेरे लिए, मैंने बहुत से फैशन शोज किए हैं, इट्स बीन मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग, बट फॉर मी टुडे वाज अ वेरी वेरी स्पेशल शो। कई बार मैं यहाँ बोट पे, मुझे शाम को और बहुत जल्दी सुबह को आरती पे आना बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज एंड क्योंकि यहाँ एक फनकारी है जो बहुत खूबसूरत है एंड जगह भी
मुझे बहुत काम अपने आप को महसूस होता है, एंड आई स्टे विद माय थॉट्स कि यू नो सब जो जो हैंडलूम है और जो यहाँ के फनकार हैं, जो बुनकर कम्युनिटी है, उनका काम देखे, एंड दैट्स अ रिस्पांसिबिलिटी व्हेन यू डूइंग अ शो समवन लाइक मी स्पेशली, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव डन अ शो लाइक दिस। यही नहीं, इस शो के पहले पूरी टीम ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए, उसके बाद नेक काम में हिस्सा लिया। इस दौरान रणवीर और प्रीति भगवा रंग में भी दिखे। मैम काशी एज एन एग्जांपल आप ले लो, 10 साल पहले ये सब नहीं था। जिस प्रयास से मोदी जी ने यहाँ पर बदलाव लेकर आए हैं, सुधार लेकर आए हैं, people from not only all over India but all over the world would come to experience the divinity that is present in Kashi, but with a lot of difficulties. Now we have world-class facilities, and for everybody to come here and experience Kashi for the splendor and grandness that it has, and that's it's almost representative of our nation and where we are as a nation, a blend of past and present, of the fact that we as a people are very very proud of our rich cultural heritage and our legacy. यानी कि काशी की घाट पर एक खूबसूरत शाम को इस तरह के इवेंट ने और रंगीन कर दिया। ये अपने आप में पहला ऐसा इवेंट था जिसमें वोकल फॉर लोकल की झलक साफ देखी गई। ये तो मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में काशी की काया पलट कर दी है, साथ ही यहाँ की लोकल सभ्यता और यहाँ के परिधानों को देश दुनिया में पहुँचाने के लिए ये जो स्टेप उठाया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। बनारसी साड़ियाँ वैसे भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन अब इसके बाद इनकी डिमांड और भी बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।